थोड़ा पीछे लीजिए आप पीछे लो थोड़ा साइड आइए यार ओके आप लोग थोड़ा अंदर आ जाइए पवन भाई का हम लोगों ने रिलीज किया सारे काम कंपनी पर जिसका नाम है लाल घाघरा और सुबह 10 बजे ये गाना रिलीज हुआ है और अभी इंडिया में यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। सबसे पहले तो दिल्ली शहर में हमारे मीडिया से जितने भाई आए हैं आप सभी को धन्यवाद और प्रणाम। और हमारा जितने भाई यहाँ पे खड़े हैं बैठे हैं सब सभी को प्रणाम। नमस्ते नमस्ते भैया। आप हैं तो सब है। जैसा कि बद्री भाई ने इतना सराहना किया क्या है कि देखिए हम सभी कलाकार हैं और हम सब मिल के मेहनत करते हैं। जैसे बद्री भाई हो गए, मैं हो गया, नविता जी हो गए, सूरज भैया हो गए, हमारा ये एक परिवार है। हम सभी मिल के जब मेहनत करते हैं और ऑडियंस हमारे लिए भगवान है और उनसे जब भर भर के प्यार मिलने लगता है तो एक कलाकार का दिल चौड़ा हो जाता है। थैंक यू सर, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोग यहाँ पे आए इस सॉन्ग के लिए। और गणेश जी आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस सॉन्ग के लिए मैंने परफॉर्म कर पाऊँ। और पवन जी के साथ मतलब एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, मुझे सच में नहीं लगा कि फर्स्ट टाइम मतलब मैं इनसे मिली हूँ। मैंने इनको बहुत मतलब लॉलीपॉप सॉन्ग तो कोई ऐसा पार्टी नहीं होगी यहाँ पे लॉलीपॉप सॉन्ग नहा चले, तो मुझे नहीं पता था कि मैं इनके साथ मतलब इन फ्यूचर काम करूंगी। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल लेवल दिया पवन जी ने। थैंक यू सो मच सर कि आपकी मेरी केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई। हाजी है लेकिन प्यार से उनको बादल बोलते हैं। बादल भाई थैंक यू आपको जो बहुत दिनों बाद आपने इस मूड का मुझसे गाना कराया और शूटिंग शुरू होने से पहले आप हमेशा बोलते रहे भैया 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 आपको नाचना है, इस पर नाचना है। मैंने बोला भाई जितना नचाना है उतना नचाओ। इसके लिए आपको थैंक यू जो मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत दिनों बाद इस मोड का गाना है ना जब सफल होता है। भगवान को भी ऑडियंस द्वारा जब भर के प्यार मिलता है तो हिम्मत और बढ़ जाता है भाई। और जो आपने इस रेंज का बात किया जो हमारे ऑडियंस का और भाइयों का प्यार जब मिलेगा तो रेंज बहुत बढ़ेगा। ओके, जो मेरा रियल लुक है भाई ने 22 दिन पहले हमसे मिले मुंबई में तो बोले भाई जी प्लीज जैसे आप है ना बस मुझे यही लुक चाहिए, कुछ कटपिट मत करवाइएगा और ना ही कोई कलर करवाइएगा। तो पहली बार आपने सारे गाँव हम भोजपुरी से ना बहुत से का नेचुरल लुक दिखाया है। उसके लिए भी आप म्यूजिक सिटिंग में बैठे थे और मेरा छोटा भाई अमित भी बोल रहा था कि बद्री जी का बार बार फोन आ रहा है कि भैया आप प्लीज गा देते तो शूटिंग में एक अलग अलग सा मजा आता। तो मजाक मजाक में ही मैंने बोला कि भैया हम लोग शूटिंग तो अपना कर लिए, जो मेरा 2-3 दिन में शूटिंग होने वाला है ये भी गाना जरा रफली ही ऐसे गवा दी। तो एक जब काम आदमी करता है दिल को अच्छा लगता है और जोश आता है तो किसी भी रेंज पे आदमी पहुंच जाता है। और आदमी मैं उसी टाइम गाना
गाने को पता नहीं कितने ट्रैक पे गाया और आपको भेजा उसी टाइम, और आपने रिप्लाई भी दिया कि भैया मजा आ गया। देखिए हमेशा से ये सोच रहता है कि कोई भी चाहता है अपने जीवन में आगे बढ़ना, तो हम कलाकार के नाते और हम सभी कलाकार को दिल से मेहनत करना चाहिए, और हम लोग मेहनत करेंगे कि हमारे भोजपुरी का लेवल जहाँ है इससे और ऊपर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई में सूरज भैया मैंने आपके साथ पहली बार काम किया, एक तो लगा ही नहीं कि आपसे पहली बार मिला हूँ, हम लोग इतना मिलजुल के और काम शुरू होने से पहले हम अपने तरह हीरो की तारीफ कर ली जैसे वाकई में जब हम लोग बहुत जगह काम करने जाते हैं तो कहीं कहीं लगता है कि हम इनको जानते हैं, ये हमको जानती है या नहीं जानती है, हम इनको जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो उसी कंफ्यूजन में ना काम पूरा भी होने जा रहा है और काम अच्छा से हो नहीं पाता है। लेकिन नम्रता के साथ काम करके इतना बढ़िया लगा कि मेरे पास बहुत ज्यादा कोई शब्द नहीं। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच सर। आप कोरियोग्राफ किया है हमारी गीता जी ने, गीता जी का नजर आ रही है यहाँ पर देखें। अश्लीलता भी थोड़ी बहुत होती है, इस पे आप क्या कहेंगे? बॉलीवुड से ज्यादा अश्लीलता भोजपुरी होती है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो आपको नमस्ते, मैं बनारस की हूँ। रही बात मीडिया की, तो मीडिया को ही जब हम सम्मान नहीं देंगे तो हमारे दिल की आवाज को सुन कौन पाएगा, देख कौन पाएगा। तो सबसे पहले हमको आप ही लोगों को सम्मान देना है, आप लोग सम्मानित हैं, दिल से सम्मानित हैं और हमेशा रहेंगे। रही बात अश्लीलता की, शुरू से ये मेरी आदत है कि मैं बहुत कम बोलता हूं, लेकिन ये हमारे सोच के ऊपर है। एक धब्बा सा लग जाना भोजपुरी की, भोजपुरी में अश्लीलता, अश्लीलता कहां नहीं है अगर देखा जाए तो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, अश्लीलता कहां नहीं है। लेकिन बस एक तो भोजपुरी पे ठेपा लगा भोजपुरी में अश्लीलता नहीं। और असली जहां तक रही अश्लीलता की बात, अगर मान लीजिए हम गलत करते हैं तो हमारा ऑडियंस भगवान है, आप लोग उसके इग्नोर करिए ताकि हम लोग चाह के भी गंदा काम ना कर पाए, अच्छा काम करें जिसको हर कोई देख सके और सुन। और मैं कभी भी सिंगल में अपना तारीफ नहीं करता हूँ, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ और चाहता हूँ कि हम सभी कलाकार मिलकर मेहनत करें और अच्छा काम करें ताकि उसको सब लोग तारीफ करें। और थोड़ा सा जहां गलती है उसको सुधार करना बहुत जरूरी है, हम लोग बिल्कुल करेंगे ताकि हमारे भोजपुरी के नाम के आगे पीछे कोई अश्लीलता का शब्द न लाए, पहचान न लाए। देखिए क्या है, आज सारे गामा का जो भी टीम यहाँ बैठे हैं, हम लोग जितने कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की दिन है। और आज का जो दिन है, नंबर वन पे हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं अपने गाने के साथ, पब्लिक का प्यार मिल रहा है, तो आज ना आज रुलाओ रुलाओ मत यार। आज सिर्फ बवाल होने दो और धूम मचाने दो, आज नो सैड बना, आज सैड नहीं चाहता हूँ, आज मैं हंसना चाहता हूँ, क्या बात है, क्या बात, क्योंकि हम सभी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। गाना रिलीज होते ही पोस्टर गाने का ट्रेंडिंग में आ गया, पहला बार भोजपुरी में, और गाना रिलीज होते ही नंबर वन ट्रेंडिंग में आ गए सबके से। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है और जस्ट मना हो जाए। तो जो गाना रिलीज हुआ है हम लोग इसी के खुशी में आज बैठे हैं और इसी गाने पे हम लोग खुशी मनाते हैं। देखा तो में मचे खलाबाली गाँव
कमल हमर लाल घरा कहिले